हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल जायसवाल, और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हो तो ये वीडियो ज़रूर से देखिएगा, बिकॉज़ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। दोस्तों, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूवर्स हो तो आपको तो पता ही होगा कि मैंने कल के दिन एक वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हिस्ट्री सिविक्स के थे, नॉट सिविक्स बट पोल साइंस, ठीक है? हिस्ट्री एंड पोल साइंस जो कि अभी आपका सब्जेक्ट है, उसके ऊपर मैंने क्वेश्चन के बहुत इंपॉर्टेंट सेट्स ढूंढ ढूंढ के निकाले थे और मैंने आपके लिए बनाया था वीडियो, ठीक है? तो अगर वो वीडियो आपने देखा है तो इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस रह गए थे जो मैंने वहाँ पे उस वीडियो में नहीं डाला हुआ था, तो ये वीडियो में मैंने वो क्वेश्चंस की कमी भी पूरी कर दी है। तो ये वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स एंड कुछ कंसेप्ट चार्ट्स जो कि आपको हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स साइंस के पेपर में आपको पूछ सकते हैं। कल परसों आपका पेपर है, ठीक है? तो ज़रूर से इसको देख लीजिएगा, एंड यही क्वेश्चन डेफिनेटली आपको पूछेंगे। 90% चांसेस है जो मैं क्वेश्चन आज आपको देने जा रहा हूँ, यही क्वेश्चंस आपको पूछेंगे। तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा ज़रूर से देखिए, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हमारा। सबसे पहले हम लोग चालू करेंगे हिस्ट्री के लिए। तो सबसे पहला फिल इन द ब्लैंक्स की बात करेंगे हम लोग। तो हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर वाइज मैंने अरेंज किया हुआ है यहाँ पर आपके कन्वीनियंस के लिए। तो आपको बस करना इतना है कि आप अपना हिस्ट्री का टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए और जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चंस बता रहा हूँ उसको वन बाय वन टिक करते जाइए। यहाँ पे मैंने आंसर्स नहीं बताए हुए इस वीडियो में, बिकॉज उतना ज़्यादा मुझे टाइम नहीं मिल पाया। ये वीडियो को मैंने बहुत जल्दी जल्दी प्रिपेयर किया है, ठीक है? तो प्लीज़ इतना कोऑपरेट कीजिए कि आप अपने टेक्स्ट बुक सामने रखिए या फिर अपना पेन और पेंसिल लेके फटाफट टिक करना शुरू कर दीजिए, ठीक है? तो पहला चैप्टर में पहला क्वेश्चन है, इट मे बी सेड दैट डैश वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है? सेकेंड चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, डैश वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यही चैप्टर में सेकंड क्वेश्चन की बात करें, डैश ट्रांसलेटेड द संस्कृत टेक्स्ट ऑफ हितोपादेश इन जर्मन लैंग्वेज। इसके ऑप्शंस भी यहाँ पे दे रखे हैं। पहला ऑप्शन जेम्स मिल, सेकंड फ्रीडरिच मैक्स म्यूलर, थर्ड ऑप्शन माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, एंड चौथा ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, ठीक है? ये चारों में से एक कोई आंसर हो जाएगा आपका। चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो इसमें भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि है, द अर्लिएस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड वॉज डिस्कवर्ड इन द एक्सकेवेशन एट द सिटी ऑफ डैश, ठीक है? बढ़ते हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 की तरफ। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स है वो है द आर्ट्स ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पटिंग आर डैश, ठीक है? तो इसका आंसर आप जरूर से लर्न करके चले जाइएगा, ठीक है? चैप्टर नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 में जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है, द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज पेपर इन इंडिया वॉज स्टार्टेड बाय डैश, ओके? इसी में एक और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है जो कि है, टेलीविजन इज एन डैश मीडियम, ठीक है? टेलीविजन जो है वो कौन सा माध्यम है, मीडियम है, वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है? चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डैश आर सपोज टू बी द फर्स्ट कीर्तनकर इन महाराष्ट्र। तो इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं, संत ध्यानेश्वर, अगला है संत तुकाराम, तीसरा है संत नामदेव और चौथा है संत एकनाथ। ये चारों में से आपका कोई एक आंसर इसमें आ जाएगा, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन, इसमें चैप्टर नंबर 6 की सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो वो है, बाबूराव पेंटर मेड द मूवी डैश, ठीक है? बाबूराव पेंटर ने कौन सा मूवी बनाया था? इसके भी चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन पुंडलिक, सेकंड ऑप्शन राजा हरिश्चंद्र, थर्ड ऑप्शन सैरांधरी एंड फोर्थ जो है वो है बाजीराव मस्तानी। चैप्टर नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें वो है, द एंशियंट इवेंट ऑफ ओलंपिक कॉम्पिटिशन यूज टू बी हेल्ड एट डैश, ठीक है? तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तो पहला है ओलंपिया जो कि ग्रीस में है, सेकंड ऑप्शन रोम, थर्ड ऑप्शन इंडिया एंड फोर्थ ऑप्शन जो है वो चाइना, ठीक है? तो इसमें से एक आंसर आ जाएगा आपका। चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो इसमें एक ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि है, भिलार इज नोन एज द विलेज ऑफ डैश, ठीक है? भिलार को कौन से विलेज कहते हैं, इसको विलेज ऑफ डैश। तो पहला जो है बुक्स, सेकंड प्लांट्स, थर्ड मैंगो एंड फोर्थ फोर्ट्स, ठीक है? इसमें से आंसर ढूंढ लीजिएगा। एंड चैप्टर नंबर 9 की बात करें जो कि है हमारा हिस्ट्री का आखिरी चैप्टर, तो इसकी फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है फर्स्ट वन, एक ही क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दे रखा है चैप्टर नंबर 9 से, तो वो है, डैश एट कोलकाता इज द फर्स्ट म्यूजियम इन इंडिया। कोलकाता में जो है वो हमारा फर्स्ट म्यूजियम था इंडिया में, वो कौन सा है? तो पहला ऑप्शन, चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका गवर्नमेंट म्यूजियम, दूसरा है नेशनल म्यूजियम, तीसरा है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय और चौथा जो है वो इंडियन म्यूजियम है, ठीक है? तो दोस्तों ये थे हिस्ट्री के
जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिलअप्स थे वो मैं यहाँ पे वन बाय वन चैप्टर वाइज मैंने आपको देने की कोशिश की है। बढ़ते हैं हमारे पॉलिटिकल साइंस के पार्ट की तरफ। ठीक है दोस्तों, मैंने ये वीडियो बहुत शॉर्ट रखा है आप लोग के लिए और नॉर्मली क्वेश्चंस भी काफ़ी कम है, बिकॉज ये मैंने क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट 90% जिसके चांसेस से पूछने के सिर्फ वही क्वेश्चंस यहाँ पे डाले हैं। ठीक है तो पोल साइंस की बात करते हैं यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर वन में जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे, तो पहला जो क्वेश्चन है, इन महाराष्ट्र डैश सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन। ठीक है दोस्तों, इसको एक और चीज़ है कि ये वीडियो में मैंने सब क्वेश्चंस के ऑप्शंस यहाँ पे नहीं डाले हैं। ठीक है तो आपके टेक्स्ट बुक में आप जब देखोगे ये क्वेश्चन तो आपको ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे, और डोंट वरी आपको एग्जाम में भी ऑप्शंस के साथ ही आते हैं। ठीक है तो वहाँ पे आंसर आप टिक कर लीजिएगा ऑप्शन के साथ। ओके दूसरा क्वेश्चन की बात करें चैप्टर नंबर वन की, तो वो है द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज डैश। ओके चैप्टर नंबर टू की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें वो है कॉन्स्टिट्यूंसी आर क्रिएटेड बाय डैश कमिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर जरूर से याद कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर थ्री की तरफ बढ़ते हैं, तो इसमें एक ही क्वेश्चन है जो कि है नेशनल कॉन्फ्रेंस इज़ ए पार्टी इन डैश स्टेट। ठीक है चौथे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं हमारा, तो इसमें एक क्वेश्चन है दैट इज़ डैश इज़ द मेन डिमांड ऑफ द फार्मर्स मूवमेंट। ठीक है ऐसा कौन सा डिमांड है जो फार्मर्स मूवमेंट द्वारा जारी किया गया था। ठीक है अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, तो अगला चैप्टर जो कि हमारा आखिरी चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का, तो चैप्टर नंबर फाइव है। पहला क्वेश्चन इसमें है, इन अ डेमोक्रेसी डैश पार्टिसिपेट्स इन इलेक्शंस एंड गेट पॉलिटिकल पावर। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स जो कि आपको डेफिनेटली एग्जाम में पूछ सकते हैं दोस्तों इसी में से, तो ज़रूर से इसको पूरा देख लीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स के अलावा मैं आपको एक और चीज़ देने जा रहा हूँ जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चार्ट और कंप्लीट द फॉलोइंग। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, यहाँ पे मैंने चैप्टर वाइज दिए हुए, लेकिन उन्हीं चैप्टर के दिए हुए जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है बहुत सारे और भी थे लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं डाले बिकॉज उसके पूछने के चांसेस कम थे, तो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे डाला है जो सबसे ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। तो इसमें जो है कंसेप्ट चार्ट की अगर बात करें, तो जो चैप्टर नंबर वन में जो है आपका, आप टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो चैप्टर नंबर वन में तो कंप्लीट द कंसेप्ट चार्ट, तो वो आप ज़रूर से कर लेना। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो उसको, तो उसका आंसर आप टिक करके फिलअप करके उसको आप अच्छे से लर्न करके जाइएगा आपके एग्ज़ाम में। ठीक है अगला बात करें हम लोग, तो ये चैप्टर नंबर टू में आप देखोगे तो कंप्लीट द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट आपको एक नज़र आ रहा होगा जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है। ठीक है तो कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, इसको भी आप अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है एंड अगला अगर बात करेंगे जो कि हमारा आखिरी है कंसेप्ट चार्ट के हिसाब से बात करें, तो चैप्टर नंबर फोर जो है हमारा, इसमें आप देखोगे तो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, यही टेबल आपको लर्न करके जाना है, तो ये आपको पूछा जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों ये थे हमारे तीन कंप्लीट द फॉलोइंग, या फिर मैं बात करूँ कंसेप्ट चार्ट की, ये तीनों में से ही अगर कोई भी आएगा तो एक आएगा इसके अंदर से, अदरवाइज नहीं आएगा आपको। ठीक है तो दोस्तों अगर आप कंसेप्ट चार्ट प्रिपेयर कर रहे हो तो यही तीन करके जा सकते हो। ठीक है यही तीन पूछने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। और दोस्तों ये जितने भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस बताए हैं वो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बताए हैं, जहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, तो मैंने अपने हिसाब से अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पे बताए हैं। ठीक है तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप वीडियो को हमारे ऐसे ही लाइक करते रहोगे तो हमको डेली मोटिवेशन ऐसे ही मिलता रहेगा और हम आपके लिए डेली डेली ऐसे ही नए नए वीडियोस बना के लेके आते रहेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो और हमारे कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हैं, आपको डेली कंटेंट मिलते रह रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो इस वक्त 10th स्टैंडर्ड में हो या फिर आपके जूनियर भी हो, तो प्लीज़ ये वीडियो उनको शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी सही इन्फॉर्मेशन उनको पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।